फैजाबाद से जुड़े ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर कोहरे के चलते एक के बाद एक 24 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिनमें कुछ ट्रक और बसों के साथ साथ निजी वाहन भी शामिल थे। आपको बता दें कि आज सुबह से ही पूरे NCR में घना कोहरा छाया हुआ था, जिसके बाद से ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर भी कोहरे की बड़ी चादर छाई हुई थी, जिसकी वजह से एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई और कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसकी वजह से दिल्ली के एक कांस्टेबल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस वैगनार गाड़ी में वह सवार थे और गाड़ियों के आपस में टकराने से उनकी गाड़ी बीच में फंस गई और ट्रक के नीचे आने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक तो सर्दी का सितम रहता है और उसके बाद इस तरीके से घने कोहरा लोगों की मौत की वजह तो बनता ही है और साथ ही सड़क पर चलना बेहद मुश्किल हो जाता है। सर, पेरीफेरल रोड पर हादसा हुआ है, कितनी गाड़ियां टकराई हैं सर, क्या कैजुअल्टी है और क्या कुछ वजह है सर? आज सुबह करीब 7:30-8 बजे के आसपास बहुत ज़बरदस्त सड़क पे कोहरा था। उस कोहरे में करीब 20 गाड़ियां, छोटी बड़ी ट्रक बस और छोटी गाड़ियां भी कोहरे की वजह से एक दूसरे से टकराती हुई चली गई हैं। इसमें एक दिल्ली पुलिस का सिपाही धर्मवीर सिंह, जिसकी डेथ हो गई है, वैगनार गाड़ी में था, और एक इसी गाड़ी में सर्वेश था, वो भी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात है, उसको चोटें आई थी, उसको अब विनायक अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। जो गाड़ियां डैमेज हुई हैं उससे संबंध में इंस्पेक्टर मुरादनगर को बता दिया गया है कि FIR दर्ज करें, कार्रवाई करें, और इन दो के अलावा और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। गाड़ियां कई डैमेज हो गई। सर, क्या कुछ वजह रही कि गाड़ियां अचानक टकराती हुई चली गई? जैसा मैंने बताया, पेरीफेरल पे कोहरा बहुत ज़बरदस्त था। जिस समय हम लोग मौके पर पहुंचे उस समय भी बहुत ज़बरदस्त कोहरा था, गाड़ी बहुत धीरे धीरे हम लोग चला पा रहे थे, और संभावना यही है कोहरे के कारण ये गाड़ियां आपस में टकराई हैं, जैसा हमने मौके पर जाकर देखा है।